वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी के टैबलेट से वंचित वैसे विद्यार्थियों को टैबलेट देने की मांग करते हुए आज जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी के टैबलेट से वंचित बने वैसे विद्यार्थियों को टैबलेट देने की मांग करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते वैसे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार की 1000 रुपए भरने के साथ टैबलेट प्राप्ति योजना के लिए फॉर्म भरे थे, जहाँ 1000 रुपए भरने के बावजूद अभी तक वैसे तमाम विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया था। आज रोज आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर द्वारा गुजरात सरकार द्वारा प्रोफेशनल अने नॉन प्रोफेशनल जे विद्यार्थियों छे एने प्रथम वर्षनी अंदर जारे कोई पण विद्यार्थी प्रवेश ले त्यारे एवा विद्यार्थीने 1000 रुपया जमा करावीने टेबलेट आपवानी जे जाहेरात करी हती एना संदर्भनी अंदर 2019-20 घणा विद्यार्थीओए आ 1000 रुपया जमा करावी दीधा छे, परंतु आज दिन सुधी थर्ड ईयर में आया है, आज दिन सुधी ए लोगों ने टेब्लेट नहीं मळ्या। लगभग 6000 जेटला विद्यार्थी एमएस यूनिवर्सिटी ना अने वडोदरा शहर की बात करें तो वडोदरा शहर की अंदर अनेक विद्यार्थियों 1000 रुपया जमा है, परंतु आज सरकार ये टेब्लेट आपती नहीं, त्यारे अमे आम आदमी पार्टी विद्यार्थियों की आ लड़त उपाड़ी है। अमे आ गुजरात सरकार के जे धारासभ्यों ने जे सांसद सभ्यों ने जे कॉर्पोरेटरों ने टेब्लेट आपे छे एनी सामे अमारो सख्त विरोध छे। अमे तो विनंती करीए छे कि विद्यार्थी आ देशनुं भावि छे एने आ न्याय मळवो जोईए। 1000 रुपया जे लीधा छे ए 1000 एने टेब्लेट मळे एवी अमारी लागणी अने मांगणी छे। मारुं नाम वीरेन रामी, सहसंगठन मंत्री मध्य जोन, वडोदरा शहर प्रभारी।